साथियों, कल देर शाम से तीस्ता सेटलवाड़ के घर पहुंचकर एटीएस यानी आतंका विरोधी स्क्वाड ने जिस प्रकार से तीस्ता सेटलवाड़ को गिरफ्तार किया है और साथ साथ आरबी श्री कुमार जी जो गुजरात में बहुत ही उच्च दर्जा के पुलिस अधिकारी रहे हैं और उन्होंने गुजरात के दंगों पर पर्दे के पीछे की हकीकत पुस्तक रूप से प्रकाशित की है, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। There is no accountability of the state governments and those who question it are to be silenced. That is the ominous message in the arrests of Teesta and others. After Teesta's arrest, I went back and read large parts of the book. What struck me was Romila Thapar, the distinguished historian, what she said about Teesta. She said, one wishes there were more such citizens. Today, that citizen, Teesta Setalwat, is in prison. Free Teesta Setalwat. उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि गुजरात में जब दंगे हो रहे थे, मां बहनों के ऊपर बलात्कार हो रहे थे, खून की नदियां बह रही थी, तो उस वक्त गुजरात के आधुनिक हीरो ये जो है सो रहे थे। जेल में डाल सकते हैं हम लोग, मिस्टर श्री कुमार उनको जेल में डाल सकते हैं, और जिनका पति मारा गया है उसके इंसाफ के लिए अगर तीस्ता खड़ी थी तो निश्चित तौर पर यह स्वागत का काम था। अभी आपका मान है कि तीस्ता जी जिस दरबार के रिहाई दीजिए जितना जल्दी हो। महिलाओं के साथ जो है बार बार आज यहाँ तो कल उनको जो है देख के खाली महिलाओं के साथ पंगा ले रहे हैं, ये पंगा लेने से उनको हार होगा, हमारा जीत होगा।